हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ दीक्षित पटेल और आपका लेट्स लर्न चैनल में स्वागत है। आज हम 12th स्टैंडर्ड में जो आपका चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रल्स, उसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हम आपका जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, वो आपको यहाँ पे क्लास में ही सोल्व करना है एंड उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करोगे और उसके बाद मेरा वाला सॉल्यूशन देखोगे। अभी तक आपने इसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है वो नहीं पढ़े हैं तो पहले ऊपर आई बटन में लिख दी रहे दिख रहा है ना, वहाँ पर जाके आप वो पहले वीडियो देख लो, क्योंकि फॉर्मूला के बिना तो इंटीग्रल है ही नहीं। सबसे पहले ही क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको ऊपर आई बटन में फॉर्मूलाज दिख रहे हैं। अगर वहाँ पे नहीं जाना है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सारे जो फॉर्मूला थे वो हमने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। सबसे पहले इंटीग्रेशन था कि के का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के एक्स, वैसे एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, वैसे ये सारे फॉर्मूला है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख भी सकते हो अपने बुक में। मैं वही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बुक में लिख लो एंड ये फॉर्मूला डेली 2 से 3 बार पढ़ो, तब जाके आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, इतने टोटल फॉर्मूला से, टोटल 14 फॉर्मूला से। चलो अब हम ज़्यादा टाइम लेते ना हुए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इससे एक्सरसाइज 7.1, जिसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आपको फंक्शन दिया गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ये साइन 2x जो आपका फंक्शन है उसका आपको एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है। अब एंटी डेरिवेटिव क्या होता है कि हम यहाँ पे तो हम नॉर्मल वाले तरीके ही ढूंढेंगे। एंटी डेरिवेटिव का एक दूसरा नाम होता है इंटीग्रेशन, यानी कि आपको इन शॉर्ट ये जो फंक्शन दिया गया है उसका इंटीग्रेशन ढूंढना है। लेकिन जो एंटी डेरिवेटिव का असली मतलब है कि आपको ऐसा कोई फंक्शन ढूंढना है कि जिसका डेरिवेटिव साइन 2x हो जाए। तो हम क्या करेंगे, चलो कोस 2x है उसका डेरिवेटिव साइन 2x होगा, तो चलो देख लेते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स कोस 2x क्या हो जाएगा। तो हमें पता है क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x और ये 2 साइन एंड जो अंदर 2x है उसका 2 वापिस आएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये माइनस 2 है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स कोस 2x इज इक्वल टू साइन 2x हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये माइनस 1/2 डेरिवेटिव में अंदर जा सकता है तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोस 2x डिवाइड बाई 2 और ये माइनस साइन मैंने यहाँ एडजस्ट किया है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x। यानी कि ये जो साइन 2x फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव अंदर वाला फंक्शन लिखा। तो इन शॉर्ट या तो आप ये मेथड से कर सकते हो, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन साइन 2x ढूंढ लो dx। अब साइन समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता था, कोस 2x और बाहर आ जाता था आपका माइनस साइन एंड यहाँ पे जो 2x मल्टीप्लाई में है उसका डेरिवेटिव आपको नीचे करना रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 एंड साथ में प्लस c कर देना है। देखो जब भी आप डेरिवेटिव करते थे तो आपका जो समथिंग वाला था, जैसे कि साइन समथिंग का डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करते थे, साइन समथिंग का डेरिवेटिव कोस समथिंग एंड जो समथिंग लिखा है उसका वापस प्रोडक्ट में ऊपर लिखते थे। यहाँ पर क्या करना है कि साइन समथिंग का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन समथिंग का इंटीग्रेशन जो होगा वो एंड जो समथिंग है वो पहली कंडीशन है कि वो लीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीनियर, तभी आप ये वाली मेथड अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जो लीनियर वाला फैक्टर है उसका डेरिवेटिव होगा आपको कहाँ लिखा है, नीचे, ना कि वो ऊपर। तो इंटीग्रेशन में क्या करोगे, साइन समथिंग है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस समथिंग एंड जो समथिंग में यहाँ 2x लिखा था उसका डेरिवेटिव हम नीचे लिख लेंगे। और एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है कोस 3x, ये फंक्शन का आपको एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x dx। अब कोस समथिंग का इंटीग्रेशन कितना होता था, साइन समथिंग, तो साइन 3x और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 प्लस c हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन।
वैसे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको ये दिया है कि भाई ए की पावर 2x, क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 2x, तो इसका क्या सॉल्यूशन आएगा कि इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 2x dx। यहाँ पर भी ई रेफ टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, ए की पावर एक्स, और ये जो 2x है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखेंगे और प्लस सी साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको बोला गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर 2। ये फंक्शन है और इसका आपको क्या ढूंढना है, एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है। चलो क्या होगा, यहाँ पे देखो तो आपको y का स्क्वायर लिखा है ऐसा दिख रहा है। अगर आपके पास y का स्क्वायर dy है और इंटीग्रेशन करना है तो इसका क्या होता था, y की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी होता था। यहाँ पर हमारे पास y की जगह पे हमारे पास दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, तो हम क्या करेंगे इसको ही y समझ के इंटीग्रेशन करेंगे एंड उसका जो डेरिवेटिव है यानी कि ए एक्स प्लस बी का वो हम नीचे लिख देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 होल डिवाइड बाई 3 इंटू ये ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ए, तो यहाँ ए आ जाएगा प्लस सी, यानी कि आपको क्या मिला कि ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 ए प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 4 ए की पावर 3x। तो यहाँ पर आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है कि भाई ये जो इंटीग्रल है यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 ए की पावर 3x dx, तो ये जो आपका बाहर वाला इंटीग्रेशन है वो क्या होता था, सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ई की पावर 3x dx। मैंने ये जो 4 कांस्टेंट था उसको बाहर लिख दिया। अब साइन समथिंग का इंटीग्रेशन अभी करके आया क्या हो जाएगा, कोस 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 4 ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस सी। तो यहाँ पर आपको देखो तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे तो ये एक और ये दो इंटीग्रल किए, तो दो इंटीग्रल किए तो एक का कांस्टेंट मान लो c1 आया, दूसरे का कांस्टेंट c2 आया, तो आपको तो c1 माइनस 4 c2 लिखना चाहिए और आपने तो यहाँ पे सिर्फ c लिख दिया। तो देखो क्या होगा कि ये c1 माइनस 4 c2 अगेन एक क्या है, कांस्टेंट ही है, तो उसको ही मैंने क्या नाम दे दिया था c। तो अगली बार से हम जितनी भी बार, चाहे वो 5 बार करो, 10 बार करो, 6 बार करो या 50 बार करो, जितनी भी बार इंटीग्रेशन करोगे हम कभी भी 2-3 बार लिखेंगे नहीं, हम क्या कर देंगे दोनों का मिला के एक ही बार से लिखेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 20 तक में, उसमें आपको बोला गया कि ये जो जितने भी फंक्शन दिए गए हैं उसका इंटीग्रेशन करना है, यानी कि अभी तक जो कर रहे थे वही करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 ए की पावर 3x प्लस 1 dx। ये तो एकदम आसान वाला है, ये पहले अभी आप खुद ट्राई करो, तो ये होमवर्क वाला है, तो अभी ट्राई करो, बाद में वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो वीडियो का सॉल्यूशन देख लो, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि 4 ई की पावर 3x प्लस 1 dx इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, तो ये प्लस के रिस्पेक्ट में इसको सेपरेट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 ई की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब 4 कांस्टेंट बाहर, ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन ई की पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट c आ जाएगा। आसान है या नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें बोला गया है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx ऐसा दिया हुआ है। ये तो एकदम आसान वाला है, क्या करना है कि ये जो पहले ब्रैकेट दिया है ना इसको अंदर वाले को ओपन कर दो, तो आपको ऐसा मिल जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मैंने क्या किया जो बाहर एक्स स्क्वायर था ना उसको अंदर भेज दिया, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ये तो एकदम आसान है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। आसान था या नहीं था? चलो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर एट, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, पहले तो इसको सेपरेट कर दो। देखो ए कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस सी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो सभी को आता है, क्या हो जाएगा ए एक्स की पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी एक्स। यहाँ पे देखो सी ऑलरेडी यूज हो चुका है तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा डी। अगर आप सी के अलावा कुछ नाम देते हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डी क्या है आपका, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपने सी दिया है तो सी तो क्या है सभी लोग यूज करते हैं, इसलिए हम वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सी के अलावा कुछ आप करोगे तो आपको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। चलो ये खुद ट्राई करो, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, मैंने स्प्लिट कर दिया है। अब इसका क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये आप आसानी से इंटीग्रेशन हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन देखो, आपको बोला गया कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स पूरे का स्क्वायर है डी एक्स, ये फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपको जितना हार्ड दिख रहा है ना पहले, इतना है नहीं, क्या करना है, ये जो पहले अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी पूरे का स्क्वायर है, तो क्या होता था ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ कर देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले a का स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स वन अपॉन वाला उसका पूरे का स्क्वायर एंड उसके बाहर प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है आपके पास डी एक्स। अब देखो ये जो पहला टर्म है ना वो क्या बन गया आपका एक्स, ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स ऐसा लिखा है। बस अब तो ये सिंपल से पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है, क्या हो जाएगा देखो, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये नहीं आएगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर, x का वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस वन अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस सी। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 5 x की पावर 2 माइनस 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है कि पहले जो डिवाइड में दिया है उसको सभी के स्प्लिट करके लिख दो। तो देखो क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ये x क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा x प्लस या 5 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इतना बचेगा और बाहर क्या लिखा है डी एक्स।
तो सब तो इंटीग्रेशन कर दो, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर। अब देखो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे करता हूँ, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर है डी एक्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, आया ना, मैंने पावर ऊपर करके लिखा। अब इंटीग्रेशन का रोल क्या कहता है कि पावर में एक बढ़ा देना है, यानी जो बढ़ी हुई पावर है उसको कहाँ लिखना है, नीचे। तो एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, देखो x की पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन, इसको थोड़ा अच्छे से लिखे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स एंड प्लस कितना हो जाएगा सी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस फाइव एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट अपर क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 होल डिवाइड बाय रूट एक्स। तो यहाँ पर भी ऊपर सेम किया वैसे ही करना है, क्या करना है कि ये जो डिवाइड में लिखा है उसको स्प्लिट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स क्या आ जाएगा dx। देखो इंटीग्रेशन, ये ऊपर x की पावर 3 लिखा है, नीचे x की पावर 1 बाई 2 है, तो 3 में से आधा गया तो कितना बचेगा, 2.5 जितना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5 डिवाइड बाई 2 प्लस, या देखो 3 एज इट इज x अपॉन रूट एक्स, ऊपर 1 पावर है नीचे आधी पावर है, 1 में से आधी पावर कट जाएगी तो क्या बचेगा, x की पावर 1 बाई 2 प्लस 4। ये नीचे है उसको ऊपर जाके रूट में लिखोगे क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस वन बाई टू एंड पूरे के बाहर क्या आ जाएगा dx। अब तो इंटीग्रेशन ही करना है, आसानी से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर सेवन बाई टू होल डिवाइड बाई सेवन बाई टू प्लस थ्री एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन यानी कि थ्री बाई टू होल डिवाइड बाई थ्री बाई टू प्लस फोर, या माइनस वन बाई टू था उसमें प्लस वन करोगे क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई टू बचेगा, तो वन बाई टू डिवाइड बाई वन बाई टू प्लस क्या हो जाएगा आपका सी। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का डिवाइड खुद के ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा टू एक्स की पावर सेवन बाई टू होल डिवाइड बाई सेवन, ये थ्री से ये थ्री कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा, टू एक्स की पावर थ्री बाई टू एंड यहाँ प्लस एट एक्स की पावर वन बाई टू प्लस से। इसमें से चाहो तो आप एक्स की पावर वन बाई टू को बाहर भी लिख सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा, टू बाई सेवन एक्स की पावर वन बाई टू बाहर चला गया कितना बचा, सिक्स बाई टू, सिक्स बाई टू बोले तो थ्री प्लस टू एक्स की पावर आधी बाहर चली गई, तो यहाँ वन पावर बचेगा और यहाँ से सब कुछ चला गया तो क्या हो जाएगा, एट प्लस सी, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 डीएक्स। अब ये फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, जरा सोचो अगर ये ऊपर डिवाइड बाय नीचे वाला है उसको सिंप्लीफाई करके पॉलीनोमियल आ जाए तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर क्यूबिक है नीचे लीनियर है, तो उसको डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक वाला ही टर्म आएगा, या तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा या तो एक फैक्टर बन जाएगा, तो चाहो तो आप उसको डिवाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है। देखो ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन डी एक्स था, अगर मैं ये जो पहले वाले दोनों है, कौन से वाले जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, ये दो वाले टर्म है उसमें से अगर मैं वन बाई उसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो देखो मैंने पहले दो में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस वन, दूसरे दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो मैं वन कॉमन लेके लिख देता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन डी एक्स। अब देखो दोनों में एक्स माइनस वन का फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस वन पहले में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन
होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। ये एक्स माइनस वन कैंसिल, तो आपको इंटीग्रेशन में बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो ये देखो तो बड़ा सा इंटीग्रेशन था वो बन के छोटा सा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसका इंटीग्रेशन करना तो हर बच्चे को आता है, क्या हो जाएगा एक्स की पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सिक्स। ये तो आसानी से हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप कि ये जो रूट एक्स है ना उसको अंदर जाने दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ए एक्स को मैं 1 बाई टू पावर लिख सकता हूँ रूट एक्स को, तो ये आपका क्या हो जाएगा अब एक्स की पावर 1 बाई टू को अंदर भेज दो, तो एक्स की पावर 1 बाई टू माइनस यहाँ पहले से एक्स की पावर 1 मौजूद थी, तो 1 और आधा टोटल मिला के कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3 बाई टू एंड बाहर क्या बचेगा डी एक्स। अब एक्स की पावर 1 बाई टू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3 बाई टू होल डिवाइड बाई 3 बाई टू हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 बाई टू डिवाइड बाई 5 बाई टू प्लस सी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे क्या हो जाएगा 2 एक्स की पावर 3 बाई टू होल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 एक्स की पावर 5 बाई टू डिवाइड बाई 5 प्लस सी। तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें आपको कुछ ऐसा बोला गया कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ये क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, तो चलो चालू हो जाओ कैसे करोगे। चलो अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपने कर लिया होगा। क्या करोगे ये जो रूट एक्स है ना उसको x की पावर 1 बाई 2x लिखेंगे, ये जो अंदर वाला एज इट इज। अब क्या हो जाएगा कि ये जो बाहर लिखा है ना x की पावर 1 बाई 2 वो अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो ये 3 ये अंदर 2 था और ये आधा आया, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2 एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 5 बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 5 बाई 2 प्लस 2x 1 था और आधा आया, तो 1 प्लस 1 बाई 2 एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 3 बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस 3 एक्स की पावर 1 बाई 2 एंड बाहर क्या आ जाएगा आपका dx। अब बस सिंप्लीफाई करना है तो 3 अब इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा x की पावर 7 बाई 2 होल डिवाइड बाई 7 बाई 2 प्लस 2 x की पावर 3 बाई 2 का क्या हो जाएगा 5 बाई 2 डिवाइड बाई 5 बाई 2 प्लस 3 x की पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई 3 बाई 2 प्लस सी। बस अब सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 6 बाई 7 एक्स की पावर 7 बाई 2 प्लस 4 बाई 5 एक्स की पावर 5 बाई 2 प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा तो 2 एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। अब इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, क्या करना है सीधा ही सिंप्लीफाई कर दो। ये 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c। नेक्स्ट आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो इसके जैसा ही है, जो अभी हमने 16 वाला किया ना उसके जैसा ही है, तो आप वो खुद ट्राई करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो सोल्व करना चालू कर दो, तो कर लिया होगा सोल्व अपने, तो क्या है कि इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स
प्लस फाइव, ये एक्स की पावर को वन बाई टू में लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बस अब इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा, टू एक्स की पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री माइनस थ्री। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कोस एक्स प्लस फाइव एक्स की पावर थ्री बाई टू और होल डिवाइड में क्या आ जाता था, थ्री बाई टू प्लस सी। बस अगर इसको सिंप्लीफाई करना तो कर दीजिए, तो इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या दिखने लगेगा कि टू डिवाइड बाई थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री कोस एक्स प्लस टेन बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x ब्रैकेट में sec x प्लस टेन एक्स और ब्रैकेट के बाहर है dx। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में जरूर आते हैं। तो देखो क्या करना है कि ये sec x को अंदर जाने दोगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस ये sec x लास्ट वाले टेन के सब प्रोडक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स आएगा और बाहर की साइड क्या लिखा है आपका dx। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ऐसा बोला है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइड बाय cosec स्क्वायर x dx। तो ये जो है उसका इंटीग्रेशन करना, तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो अगर आपके पास sec स्क्वायर है तो बाजू में देखो तो tan x बन सकता है, यहाँ पर वो भी ऐसा कि नहीं सर कहीं से भी टेन एक्स के बनने की तो कोई पाइस ही नहीं है, तो क्या करते हैं, नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे ही सेक्स स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करोगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स को देखो तो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना? और ये जो डिवाइड में वन अपॉन कोस स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी एक्स एज इट इज। तो ये देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सर अभी तक हमारे पास सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना आता है ना, हाँ, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता था, सेक्स स्क्वायर एक्स, बस उसका यूज़ कर दो। तो आपको क्या चाहिए, टेन स्क्वायर एक्स, तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ आएगा आपका इंटीग्रेशन, टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर आपका आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अब कितना होता है, टेन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ टू माइनस थ्री साइन एक्स होल डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्लियरली है कि भाई ऊपर दो टर्म है, बीच में माइनस का साइन है और नीचे एक ही टर्म है, तो ये जो नीचे वाले कोस स्क्वायर एक्स है उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको सेपरेट करोगे देखो तो ये टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री साइन एक्स होल डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसा हो जाएगा। अब इसको ऊपर जाके लिखोगे तो देखो ये टू बाहर आ गया, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कितना होता था, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो पहला वाला तो सेट हो गया, दूसरे वाले में दिक्कत है, तो देखो दूसरे वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो साइन एक्स है ना वो तो ऊपर वाला एज है,
नीचे कोस स्क्वायर एक्स है ना, उसको मैं कोस एक्स इंटू वन अपॉन कोस एक्स लिख सकता हूँ। अब ये पहला वाला देखो क्या बन गया, टेन एक्स एंड ये वन अपॉन कोस एक्स क्या हो गया, सेक एक्स। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गया देखो, तो थ्री बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो टू बाहर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन एक्स माइनस थ्री सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, अब ये वाला है ना आपका एमसीक्यू है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ आपको ढूंढना है। आपको दिया है कि रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, और आपको इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा, अगर ऐसा नहीं ढूंढना है तो ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करो जो नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़े टाइम के लिए है ना एफ ऑफ एक्स कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, एफ ऑफ एक्स। मुझे ये वाला जो फंक्शन दिया है ना उसका क्या ढूंढना है, इंटीग्रेशन। तो चलो तो देखो, तो एक बार क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस ये वन अपॉन रूट एक्स है ना, उसको मैं ऊपर लिखूंगा तो ये माइनस वन बाई टू पावर हो जाएगी। अब देखो यहाँ एक्स की पावर वन बाई टू है, उसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री बाई टू होल डिवाइड बाई थ्री बाई टू प्लस ये माइनस वन बाई टू है उसकी पावर प्लस वन करो तो क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई टू डिवाइड में प्लस वन बाई टू प्लस सी मिलेगा। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टू एक्स की पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई थ्री प्लस टू एक्स की पावर वन बाई टू प्लस सी। तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगी और आप उसमें चेक करोगे तो इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। तो आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का लास्ट एमसीक्यू है जो क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें बोला गया कि इफ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 है एंड एफ ऑफ 2 बराबर 0 है तो मुझे एफ ऑफ एक्स बताना है क्या होगा। चलो इसका देखो तो क्या बोला हुआ है कि ये जो पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव ये वाला है, तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूँ, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये सामने वाला है तो सामने वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपको यही लॉजिक लगाना है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना वो सामने वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन है, यानी कि 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स के बराबर है। चलो अब यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा, 4x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 3। अब ये देखो ऊपर जाके मैं लिखूंगा तो क्या हुआ, ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस सी। बस अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 से 4 भी हो रहा है, आपको मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस सी। यह आपका क्या था, एफ ऑफ एक्स था। यहाँ पे बोला गया कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना है, 0 है, तो जब मैं x की जगह पे 2 रखूँगा तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ मेरे को 0 मिल जाएगी, इज इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो मुझे सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 माइनस 1 अपॉन 8। अब एलसीएम ले लो तो यहाँ पे जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो आपको ये देखो तो कितना मिल जाएगा, माइनस 129 डिवाइड बाई 8। तो ये आपका क्या आ गया, सी आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या ढूंढने को बोला था, एफ ऑफ एक्स, तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 29 अपॉन 8। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी ये जो चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपके फ्रेंड्स भी है कि जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसको कहीं से सोर्स मिल नहीं रहा है तो उनको ये वाला हमारा वीडियो सॉल्यूशन भेज सकते हो। ये यहाँ पे से सारे भी लेक्चर्स है वो आप देख सकते हो, उनका सॉल्यूशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको बाय एक के बाद एक वीडियोस मिलते रहेंगे, यानी कि ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 है, इसके बाद में जल्दी ही 7.2 का एक्सरसाइज का वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो इसके साथ साथ हमारे सारे चैप्टर के भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।